दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध केंद्र वालों संसद में पास किए गए राष्ट्रीय राजधानी खेत्र एक्ट 2021 को लेकर होगा। आप दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में पेश एनसी बिल के विरोध में जंतर मंतर से 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राय ने कहा कि जिस असंविधानक तरीके केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की पावर खोने का यतन कर रही है वह निंदनयोग है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार दी शक्तियों सीमित करने का यतन कर रही है और उसनों अधिकारहीन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अजिहा लगता है कि दिल्ली सरकार की देश भर में वाधी लोकप्रियता केंद्र दी अखों के खटक रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार दी शक्तियां सीमित करने की साजिश कर रही है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटन की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हुण हर फैसला उपराज्यपाल की दया से लागू किया जाएगा, इसलिए पार्टी के चुनी हुई सरकार को अधिकारहीन बनाने वाले बिल को संसद में पेश करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला किया गया है। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक सारे मंत्री बीजेपी की केंद्र सरकार वालों लियांदे जा रहे गैर लोकतंत्री फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताने 17 मार्च को दोपहर 2 बजे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल यंत्र मंत्र से मौजूद रहेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी से इल्जाम लगाया है कि वह लोकसभा में एक नवा बिल लिया के उन्होंने चुनी हुई सरकार की शक्तियां बहुत घट करना चाहती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी खेत्र शासन सोध बिल 2021 के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पास विधान के मद्देनज़र सरकार की टेक राष्ट्रीय राजधानी खेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कॉम टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध केंद्र वालों संसद में पास किए गए राष्ट्रीय राजधानी खेत्र एक्ट 2021 को लेकर होगा। आप दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में पेश एनसी बिल के विरोध में जंतर मंतर से 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राय ने कहा कि जिस असंविधानक तरीके केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की पावर खोने का यतन कर रही है वह निंदनयोग है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार दी शक्तियों सीमित करने का यतन कर रही है और उसनों अधिकारहीन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अजिहा लगता है कि दिल्ली सरकार की देश भर में वाधी लोकप्रियता केंद्र दी अखों के खटक रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार दी शक्तियां सीमित करने की साजिश कर रही है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटन की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हुण हर फैसला उपराज्यपाल की दया से लागू किया जाएगा, इसलिए पार्टी के चुनी हुई सरकार को अधिकारहीन बनाने वाले बिल को संसद में पेश करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला किया गया है। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक सारे मंत्री बीजेपी की केंद्र सरकार वालों लियांदे जा रहे गैर लोकतंत्री फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताने 17 मार्च को दोपहर 2 बजे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल यंत्र मंत्र से मौजूद रहेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी से इल्जाम लगाया है कि वह लोकसभा में एक नवा बिल लिया के उन्होंने चुनी हुई सरकार की शक्तियां बहुत घट करना चाहती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी खेत्र शासन सोध बिल 2021 के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पास विधान के मद्देनज़र सरकार की टेक राष्ट्रीय राजधानी खेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कॉम टीवी।